बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इल्तिसाम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बेसिकली फ्लोएम की लोकेशन, फ्लोएम के फंक्शन और फ्लोएम की कंपोजिशन के बारे में पढ़ा था कि बेसिकली जो फ्लोएम है उसके अंदर कौन कौन से सेल्स मौजूद होते हैं, और हर सेल के तकरीबन हमने फंक्शंस के बारे में भी पढ़ा था। तो याद रहे आपको कि आज हमने उसी टॉपिक की एक्सटेंशन पढ़नी है। इट्स मीन कि हमने ये देखना है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था फ्लोएम आर एक्चुअली फूड कंडक्टिंग टिश्यू। ऐसे टिश्यू होते हैं जो प्लांट्स के अंदर फूड को कंडक्ट कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे होते हैं, सोर्स से सिंक तक लेकर जा रहे होते हैं। ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा है, लेकिन आज हमने देखना है कि ऐसी कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो इसको क्लैरिफाई करती हैं कि फ्लोएम के अंदर जो फूड है वो किस तरह से सोर्स से सिंक की तरफ जाती है, एक जगह से दूसरी जगह किस तरह जाती है। तो याद रहे, जो हमारे पास थ्योरी है प्रेशर फ्लो थ्योरी, प्लांट्स के अंदर एंजियोस्पर्म जो है मोस्टली फ्लावरिंग प्लांट हैं उनके अंदर ये एक्सेप्टेबल है। कैसे है? क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस हैं जो ये कहते हैं कि जो आपके पास फ्लोएम है उसके अंदर एक प्रेशर बिल्ट होता है, और उस प्रेशर की वजह से जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, फूड है, सुक्रोज के मॉलिक्यूल हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, फ्रॉम सोर्स टू सिंक जाते हैं। सोर्स क्या है, सिंक क्या है, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। मैं अभी भी बता दूंगा आपको, जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं सुना वो इसी लेक्चर की जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर लिंक उनको मिल जाएगा, वो सुन सकते हैं। और उसके बाद ये एक्सेप्टेबल है, क्योंकि बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस जब मिलते हैं तो जिस चीज़ को वो अप्रोच करते हैं अगर वो काबिले कबूल हो तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो इस वजह से ये अंश वंश ने क्या किया था, फर्स्ट टाइम इस थ्योरी को प्रपोज किया था। अब उसके बाद थ्योरीज हैं कुछ, कौन कौन सी हैं कि फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट एक्टिवली हो सकती है या पैसिवली हो सकती है। तो आपके पास कुछ थ्योरी ऐसी हैं जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करती हैं। इट्स मीन कि यहाँ पर एटीपी क्या होनी है, यूटिलाइज, एटीपी यूटिलाइज होगी। इट्स मीन कि प्लांट जो हैं वो अपनी फूड को कंडक्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करेंगे, अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। तो ऐसी थ्योरी जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये काबिले कबूल नहीं थी, तो इस वजह से इनको रिजेक्ट कर दिया गया। पीछे हमारे पास जो बचता है वो है पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि इसमें नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी और वेरी लो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। याद रखें, इसके अंदर भी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होगा लेकिन बहुत लो होगा। अब खुराक को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, अगर उसमें थोड़ी बहुत एनर्जी लग भी जाती है तो ये क्या है, काबिले कबूल है। ऐसा नहीं है कि जितनी आपने खुराक बनाई आपने उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए आप उससे डबल जो है उसको जाया कर दें। तो इस वजह से जो पैसिव थ्योरी है इसको एक्सेप्ट किया गया। फिर पैसिव थ्योरी में आगे फिर फर्दर दो थ्योरीज पेश की गई, एक जो थी वो है प्रेशर फ्लो थ्योरी जिसके बारे में हम इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे, और दूसरी है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ भेजा जाता है, ये आपके पास सिंपल डिफ्यूजन कहलाती है। और जो डिफ्यूजन की स्पीड है वो तकरीबन कितनी है, 1 मीटर पर 8 ईयर्स, ठीक है ना। हर 8 साल में प्लांट्स के अंदर सिर्फ 1 मीटर जो है वो फ्लोएम के अंदर जो फूड होगी वो कंडक्ट होगी, सिर्फ 1 मीटर का जो फासला है उसको तय करेगी। लेकिन जो रिकॉर्डेड है वो कितनी है, तकरीबन 1 मीटर है वो तकरीबन 1 आर के अंदर, यानी कि 1 मीटर पर आर, ये रिकॉर्डेड है, ये देखी गई है। तो इस वजह से हमारे पास ये जो थ्योरी है जो सिंपल डिफ्यूजन को बेस करती है इसको भी जो है वो निग्लेक्ट किया गया। अब उसके बाद हमारे पास बचती है प्रेशर फ्लो थ्योरी। प्रेशर फ्लो थ्योरी क्या है, इसमें यह देखा गया है कि एक प्रेशर जनरेट होता है, कहां से, सोर्स से सिंक तक। देखें, वर्ड मैं यूज कर रहा हूं यहां पे सोर्स, ये जो आपको नजर आ रहा है ये सोर्स है। सोर्स मीन क्या है, लीफ। सोर्स किसका, लीफ के अंदर बेसिकली क्या होनी है, फोटोसिंथेसिस होनी है। जब फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में बनेगा C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज बनेगी। इस ग्लूकोज को इसके एक और जो आइसोमर है, स्ट्रक्चरल आइसोमर है, दैट इज द फ्रुक्टोज, उसके साथ मिलाकर सुक्रोज बनाई जाती है। और उस सुक्रोज को फिर किधर भेजना है, हमने सीव ट्यूब्स के अंदर भेजना है, सीव एलिमेंट्स के अंदर भेजना है। तो हमने स्टार्ट करना है कि ये जो मैंने सेल्स बनाए हैं, सबसे पहले मैं इनके नाम लिख देता हूं ताकि आपको पता चल जाए। ये लीफ है, सोर्स है, यहां पर ग्लूकोज बन रही है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इसमें ये आप देख रहे हैं कि ये क्लोरोप्लास्ट है, तो ये कौन से सेल हैं, दीज आर कॉल्ड मीजोफिल सेल।
आप सबको पता होना चाहिए, जो मीजोफिल सेल्स होते हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो स्टार्ट होता है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है जो कि क्या करता है, लाइट एनर्जी को कैप्चर करके केमिकल एनर्जी यानी कि C6H12 और O6 के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो इस यहां पर देखें, ये रेड से मैं आप मेंशन कर रहा हूं, ये किसके मॉलिक्यूल हैं जी, सुक्रोज के मॉलिक्यूल हैं, ये यहां पर बन रहे हैं। तो वो जगह जहां पर सुक्रोज बनेगी वो क्या कहलाएगा, सोर्स कहलाएगा। इस सोर्स में अब सोल्यूट का पोटेंशियल ज्यादा है, सोल्यूट ज्यादा है, वाटर पोटेंशियल आपके पास कम है, तो ये अपने ये जो सुक्रोज के मॉलिक्यूल हैं प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू, ये प्लाज्मोडेस्मेटा है, इसके थ्रू ये किसको दे देगा, बंडल शीट सेल को दे देगा। लीफ के अंदर कौन से सेल्स मौजूद हैं, ये बंडल शीट सेल। उसके बाद ये बंडल शीट सेल जो हैं ये इस सुक्रोज को किधर भेजेंगे, इस सुक्रोज को भेज देंगे फ्लोएम पेरेन्काइमा के पास। ये कौन से सेल हैं, दीज आर कॉल्ड फ्लोएम पेरेन्काइमा। इसको ये रिसीव करते हैं। अब सुक्रोज किधर आ चुकी है, यहां पर आ चुकी है, और इसके बाद क्या होना है, यहां से इसको एक्टिवली भी आप कह सकते हैं और वाया प्लाज्मोडेस्मेटा भी कह सकते हैं, दोनों तरह से यहां पर क्या होता है, इसको इसके अंदर कंपेनियन सेल के अंदर भेजा जाता है। तो ये जो सेल आपको नजर आ रहे हैं ये कौन से हैं, दीज आर कॉल्ड कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हुआ था, ये हेल्प करते हैं किसको, सीव एलिमेंट को। सीव एलिमेंट को अगर एनर्जी देनी है, एटीपी देनी है, तो भी कंपेनियन सेल देंगे। अगर कोई प्रोटीन्स की जरूरत है यहां पर, तो वो भी कौन बना कर देते हैं, कंपेनियन सेल्स बना कर देते हैं, क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस मौजूद है, लेकिन सीव एलिमेंट के पास अपना न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, तो ये उनके कंपेनियंस है, उसको हेल्प दे रहे होते हैं। अब देखें कि ये सारी की सारी सुक्रोज किधर आ चुकी है, कंपेनियन सेल्स के अंदर आ चुकी है। यहां से सुक्रोज क्या हो गया, विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होना शुरू हो गई है, ये इधर कंसेंट्रेशन जो है वो कम है, लेकिन इन सेल्स के अंदर जो है कंसेंट्रेशन वो स्टिल क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, क्योंकि ये बन रहे हैं, मीजोफिल सेल के अंदर कंटिन्यूसली फोटोसिंथेसिस हो रही है डे टाइम के अंदर। अब इधर से किधर आएगी ये ग्लूकोज जो है या फ्रुक्टोज जो है, ये किधर आ चुकी है, सुक्रोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज सारी मिलकर क्या बना रही है, सुक्रोज बना रही है, ये अब सारी किधर आ गई है, अब ये सीव एलिमेंट्स के अंदर आ गई है, सीव मेंबर्स के अंदर आ गई है। यहां पर कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है। अब ये जो जगह है जहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, यहां पर सोल्यूट कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और वाटर पोटेंशियल यहां पर बहुत कम हो जाएगा। वाटर पोटेंशियल जब कम होगा तो उसके बाद क्या होना है कि इसके बिल्कुल साथ, मैंने तो थोड़ा सा दूर बनाया, फसले पर बना दिया, इसके बिल्कुल साथ एडजेसेंट ही ये जाइलम है, और जाइलम में क्या ऊपर की तरफ क्या जा रहा है, H2O वाटर जा रहा है। अब ये वाटर की खासियत है कि जहां पर वाटर पोटेंशियल कम होता है वाटर हमेशा उधर ही मूव करता है, इसके अंदर वाटर पोटेंशियल ज्यादा है और यहां पर वाटर पोटेंशियल क्या हो गया है, कम हो गया, क्योंकि यहां पर सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज्यादा हो चुके हैं, सोल्यूट कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गया, तो वाटर यहां से किधर आएगा, फ्लोएम के अंदर आएगा। सो यहां पर देखें, यहां पर क्या हुआ है, ऑस्मोसिस हुई है। ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहां से वाटर डिफ्यूज कर गया है, ऑस्मोसिस हुई है, इस जगह से किधर आया है, वाटर इधर आ चुका है। अब इसमें ये जो आपको ब्लू ब्लू डॉट नजर आ रहे हैं ये क्या है, इसके साथ वाटर है, ताकि इसका जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है उसको क्या किया जाए, वाटर पोटेंशियल उसको मेंटेन किया जाए। अब क्या हो चुका है, फ्लोएम लोड हो चुका है। नाउ दिस स्पेसिफिक सिचुएशन इज कॉल्ड फ्लोएम लोडिंग। ये आपके पास क्या हो चुकी है, इस जगह पर क्या हुआ है, फ्लोएम लोड हो चुका है, इसको हम फ्लोएम लोडिंग का नाम भी देते हैं। अब इसने क्या करना है, मूव करना है टूवर्ड द सिंक। सिंक किधर है, ये नीचे है, ये सिंक है आपके पास, सिंक सेल है। सिंक सेल में आपके पास क्या क्या हो सकती है, स्टेम हो सकती है अगर हम शुगर केन की बात करें, रूट हो सकती है अगर हम शुगर बीट की बात करते हैं, रेडिश की बात करें, मतलब नीचे की तरफ हो सकते हैं, उसके बाद स्टेम हो सकती है अगर हम बात करते हैं ट्यूबर्स की। तो इट्स मीन अंडरग्राउंड भी हो सकते हैं और अबव द ग्राउंड हो सकते हैं, जैसा कि हमारे पास फ्रूट्स होते हैं। फ्रूट भी क्या है, बेसिकली
एक सिंक है। सिंक क्या होता है, जिसने सुक्रोज को इकट्ठा करना है। अगर आप गन्ना जो है शुगर केन उसकी स्टेम देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा मीठी है, उसके अंदर सुक्रोज है। अब वो क्या है, सिंक है। सुक्रोज बन कहां पर रही है, लीफ के अंदर, स्टोर कहां पर हो रही है, स्टेम के अंदर। इसी तरह अगर आप मैंगो खाते हैं उसके अंदर क्या है, सुक्रोज है। बन कहां पर रही है, लीफ के अंदर, और स्टोर कहां पर हो रही होती है, फ्रूट के अंदर, मैंगो के अंदर जो है वो स्टोर हो रही होती है। इस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, सिंक। देखिए अब यहां पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां पर उसने स्टोर होना है, तो क्या होगा, वो मूव करेगा किधर, टुवर्ड द सिंक, नीचे की तरफ मूव करता जाएगा, टुवर्ड द सिंक मूव करेगा। अब जब वो इस जगह पर पहुंचेगा तो ये जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल थे या फ्रुक्टोज के, या आपके पास जो सुक्रोज है, जब वो कंबाइन होते हैं तो सुक्रोज बनाते हैं। सुक्रोज के जो मॉलिक्यूल हैं, याद रखें फ्लोएम के अंदर ज्यादातर जो है वो सुक्रोज की फॉर्म में मूव कर रहे होते हैं। तो यहां पर क्या होता है, ये जी यहां पर आ चुका, और इसको जो यहां पर लेकर आया है वो क्या है, वो है वाटर। इसके साथ साथ अब वाटर भी क्या है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में इसके साथ साथ मूव किया है और यहां तक वाटर भी पहुंचा है, इसको लेकर आया है, एक पूरे का पूरा बल्क आया है। दैट्स वाई वी कॉल इट द बल्क फ्लो, इसको हम बल्क फ्लो का नाम देते हैं, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी बोलते हैं। मतलब कि ग्रेडियंट बन गया है, यहां पर वाटर ज्यादा था, यहां पर वाटर कम है, यहां पर सोल्यूट ज्यादा था, यहां पर सोल्यूट कम है, तो वो क्या करता है, ऊपर से नीचे आता है। यहां पर एक बात क्लियर हो रही है कि एसेंट ऑफ सैम में हमने देखा था कि वाटर हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगा, तो इसके लिए कोई डायरेक्शन नहीं है, ये लेफ्ट भी जा सकता है, राइट भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। जहां पर सिंक होगा वहां पर इसने जो सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स हैं उसको भेजना है, तो सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स को यहाँ से कंपेनियन सेल और कंपेनियन सेल से फिर सिंक में डाला जाता है। अब यहाँ पर दो बातें हैं, एक वो कहते हैं कि यहाँ पर इसको कैरियर मीडिएटेड प्रोटीन्स से, आपने फोर्थ चैप्टर में पढ़ा होगा, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स पढ़ी थी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो क्या करती हैं, हेल्प करती हैं लार्जर मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर आने के लिए। अब कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो एक्टिवली, यानी कि पंप्स होते हैं कुछ, वो एक्टिवली विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी, वो मॉलिक्यूल्स को अंदर लेकर आते हैं। यहां पर भी कुछ यूं ही है, तो यहां पर दो है, हमारी बुक की लास्ट लाइन देखें इस टॉपिक की, तो लिखा हुआ है कि इट मे बी डन बाय डिफ्यूजन और इट मे बी डन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या किया जाता है, सीव एलिमेंट से किसको, सुक्रोज को कंपेनियन सेल, और कंपेनियन सेल से फिर किधर, सिंक में डाला जाता है। अब देखें जब इसके अंदर ये सुक्रोज का लेवल कम हो जाएगा, जब सुक्रोज कम होगी तो यहां पर पीछे क्या बच जाएगा, यहां पर सिर्फ पीछे बच जाता है ऑलमोस्ट वाटर, तो वाटर का पोटेंशियल अब इस जगह पर ज्यादा हो जाता है, तो इस तरह से वाटर को वापस बुला लिया जाता है जाइलम के अंदर। तो यहां पर जाइलम सिर्फ क्या करता है, वाटर प्रोवाइड करता है, और जैसे ही फ्लोएम जो है उसके अंदर, सीव एलिमेंट के अंदर जो सुक्रोज के मॉलिक्यूल थे वो सिंक तक पहुंचते हैं, तो वाटर दोबारा जो है वो किसके अंदर आ जाता है, जाइलम के अंदर आ जाता है थ्रू द ऑस्मोसिस, सिमिलरली उसी प्रोसेस के थ्रू। अब यहां पर क्या हो गया है, फ्लोएम डीलोड हो गया है, ये थी फ्लोएम लोडिंग, और यहां पर जब वाटर रिटर्न हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड फ्लोएम अनलोडिंग। अब यहां पर फ्लोएम जो है वो अनलोड हो गया है दोबारा से, इसी तरह से ये क्या होता है, साइकिल चलता रहता है। अगर अब आपने इसकी तरतीब याद रखनी है तो उसके लिए बहुत ही आसान है, बहुत आसान की है, आप लिख लें एम बी पर सेकेंड। देखिए एम बी पर सेकेंड, एम फॉर मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल में क्या होती है, फोटोसेंसिस होती है, वहां पर सुक्रोज बनती है, मीजोफिल सेल से वो किधर जाती है, बंडल शीट सेल्स के अंदर जाती है, बंडल शीट सेल से वो किधर आएगी, पेरेनकाइमा के अंदर आएगी, फ्लोएम पेरेनकाइमा से फिर किधर जाएगी आपके पास, कंपेनियन सेल्स, सॉरी यहां पर कंपेनियन सेल से फिर किसके पास जाएगी, सीव एलिमेंट्स के पास जाएगी। तो यहां पर आपने क्या करना है, सी भी ऐड कर लेना है, एम बी पर सेकेंड सी, या एम बी पी सी आप कर सकते हैं। ओके तो यहां पर देखें कि दोबारा फिर एम फॉर मीजोफिल सेल, बी फॉर बंडल शीट सेल, पी फॉर पेरेनकाइमा, सी फॉर कंपेनियन सेल, और एस फॉर आपके पास क्या है, सीव एलिमेंट। तो ये आपके पास पाथवे है, इसके थ्रू क्या होता है कि जो सुक्रोज है उसको फ्लोएम के अंदर लाया जाता है, और यहां पर हेल्प कौन कर रहा होता है, जाइलम हेल्प कर रहा होता है, जाइलम में जो वाटर है वो हेल्प कर रहा होता है बेसिकली, उसने क्या करना होता है कि वाटर प्रोवाइड करना होता है। अब जब वाटर प्रोवाइड किया जाता है तो यहां पर एक फ्लो जनरेट होना होता है, मतलब सोर्स से सिंक की तरफ जाना है,
जहां पर सोल्यूट और वाटर पोटेंशियल ज्यादा है वहां से अब क्या करना है, उस तरफ जाना है जहां पर उस सोल्यूट ने या जो सुक्रोज के मॉलिक्यूल हैं उन्होंने स्टोर होना है। तो यहां पर इसके लेवल को मेंटेन करती हैं, उनका नाम क्या है, सीव प्लेट्स। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ये जो सीव प्लेट्स होती हैं ये क्या करती हैं, इसके फ्लो को मेंटेन करती हैं। बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं होने देना, बहुत कम नहीं होने देना, तो ये रास्ते में ऐसे समझ लें कि रुकावटें हैं, एक स्पीड को मेंटेन करें। जैसे सड़क के अंदर पाकिस्तान के अंदर क्या है, स्पीड ब्रेकर लगे हुए हैं, वो क्या करते हैं, स्पीड को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। मिसाल के तौर पर आप बहुत ज़्यादा स्पीड में ना चले जाएं, तो स्पीड ब्रेकर बनाने का मकसद क्या हो कि आपकी एक दफ़ा स्पीड तोड़ी जाए और फिर आप दोबारा से उसको क्या करें, जनरेट करें। तो सिमिलरली ये मेंटेन करने के लिए स्पीड को और जो फ्लो है उसको कांस्टेंट करने के लिए ये सीव प्लेट्स बनाई गई हैं। तो यहां पर क्या हो गया, फ्लोएम लोडिंग हुई थी, यहां पर फ्लोएम अनलोडिंग हुई थी। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो टोटल स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो तकरीबन 5 हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहले क्या होना है कि ये जो सुक्रोज है जो बनी है इसने सिम्प्लास्ट पाथवे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिम्प्लास्ट पाथवे को फॉलो करते हुए इसने किधर आना है, सीव एलिमेंट्स तक आना है। सीव एलिमेंट्स में फिर यहां पर क्या होता है, दूसरा स्टेप जो मेन है, दूसरा मेन स्टेप यहां पर फ्लोएम लोडिंग होती है, फ्लोएम में लोड होना है। तीसरे स्टेप में क्या होना है कि जो सीव एलिमेंट है उसके अंदर क्या हुआ है, बेसिकली सुक्रोज आई है तो फ्लोएम लोड हुआ है और उसकी लोडिंग को जो है वो आसान करता है कौन, जाइलम। जाइलम के अंदर मौजूद पानी वो क्या करेगा, जब इधर से इधर मूव करता है, तीसरे स्टेप में ऑस्मोसिस होती है कि साथ ही पड़ा हुआ जाइलम उसको वाटर प्रोवाइड करता है। चौथे स्टेप में क्या होता है कि उसने फर्दर आगे नीचे जाना है टूवर्ड द सिंक, तो जब वो सिंक तक जाता है वहां पर, यहां से पीछे आप सिम्प्लास्ट पाथवे भी फॉलो कर सकते हैं और एपोप्लास्ट पाथवे भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जब उसने सिम्प्लास्ट पाथवे में फॉलो करते हुए जाना है सिंक तक, तो हर सेल के साइटोप्लाज्म में से गुजरेगा। अगर एपोप्लास्ट पाथवे कर रहा है तो सेल वॉल टू सेल वॉल जो है वो मूव कर रहा होता है, और ये इसके एविडेंसेस इतने ज्यादा नहीं है। सेल की कंसंट्रेशन जो है वो चेंज होती है, जब सेल में सोल्यूट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है इट्स मीन कि उसके अंदर सिम्प्लास्ट पाथवे जो है उसको फॉलो किया जाता है। अगर एपोप्लास्ट पाथवे भी हो तो बिफोर एंट्रेंस टू द सिंक सेल वहां से उसको रिमूव कर लिया जाता है और फिर उसको क्या कर दिया जाता है, सिम्प्लास्ट पाथवे में फॉलो करवा दिया जाता है। तो इस तरह सिंक के अंदर जो सोल्यूट है उसको ऐड कर दिया जाता है। वो पांचवा स्टेप जो था हमारा वो क्या है कि यहां पर डीलोडिंग होती है, अनलोडिंग होती है किसकी, फ्लोएम की, और वाटर जो है वो बैक आ जाता है किधर, जाइलम के अंदर, और अगले ही लम्हे क्या होता है कंपेनियन सेल को दी जाती है वही सुक्रोज, और कंपेनियन सेल जो है वो सिंक के अंदर उसको स्टोर कर देते हैं। सो इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड भी होती है और सम टाइम पैसिवली भी हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।